तो हेलो भैया जी, आज अपने यहाँ पे तड़का बड़का गेम खेलने जाते, इसका नाम होता है सेव द गाय। अभी जाने कौन सा कांड करके जेल में पड़ा हुआ है, साले पुलिस वाले रोज गांड मारते हैं और फिर मेरे से बोलता है यार भैया मेरे को जेल से बाहर निकालो ना। तो भाई साहब जी अपन इसको जेल से बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। और भाई साहब जी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है बहुत भयंकर वाला, कसम से भाई साहब जी अगर तूने हाथ लगा लें तो गांड के जो झाट के वाले ना कसम से वो भी खड़े हो जाएंगे। तो भाई साहब जी अपन यहाँ पे जूते पहन के निकलते हैं डर डर के, अरे नीचे नाड़की करके अपन निकलने वाले थे, लेकिन भाई साहब जी एक तार ऊपर से टपक पड़ता है और कसम से भाई साहब जी मेरे साथ साथ मेरे जो झाट के बाल है ना वो भी खड़े हो जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन बहुत सड़े की आपकी बात, जूते पहन के मत निकलना चिमकांडी, वरना कसम से पुलिस वाले गांड बाद में मारेंगे, पहले मैं तेरी गांड मार लूंगा। तो भाई साहब जी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फेवी चिपका ले सही, यहाँ पे विकोल से तेरी गांड मोटी मोटी चिपका ले सही, यहाँ पे विकोल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब जी अपन यहाँ पे आगे निकल जाते हैं और अपन आगे आगे क्या दिखता है अपन को, कौन दिखता है? अरे बॉस रेडी के यहाँ पे तो बड़ा वाला जादूगर दिखता है और ये बोलता है मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो मैं भी बोलता हूँ ले भाई साहब जी इसकी किताब से मैं भी थोड़ा बहुत जादू सीखता हूँ, जादू सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को घंटा कुछ जादू नहीं आता और बल्कि मेरी गांड मर के रख जाती है। तो भाई साहब जी मैं किताब उठाता हूँ और उसमें पढ़ता हूँ और किताब फेंकता हूँ उसकी तरफ, लेकिन ससुरे ससुरे को तो जादू आता है ना तो कसम से ये प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन बॉस रे के मेरे जो झाट के बाल ना कसम से मेरे को पूरा पूरा झाट का बाल बना देता है ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई साहब जी मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ और भाई साहब जी अबकी बार मैं किताब किताब के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट इसकी छड़ी उठाता हूँ और कसम से भाई साहब जी इसकी गांड में दे देता हूँ, मैं इसकी छड़ी को किसको दे देता हूँ, मैं छड़ी उठाता हूँ यहाँ पे और गांड में दे देता हूँ इसकी छड़ी को, और वो बोलता है अरे भाई 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 गांड में मत डाल, गांड में मत डाल बहुत दर्द हो रहा है। गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं भी बोलता हूँ पिछली बार तूने भी तो मेरी गांड में डाला था ना, तो मेरे को भी गांड में तो डालना पड़ेगा ना मेरी जान। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई साहब जी अपन यहाँ पे जैसे आगे चलता हूँ तो भाई साहब जी यहाँ पे स्पाइडरमैन का जाला दिखता है और भाई साहब जी आई हेट जालाज। तो भाई साहब जी मैं यहाँ पे इसको काटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चिमकांडी स्पाइडरमैन ऊपर से लटक जाता है। मैं बोलता हूँ अरे बासड़ी के मेरे झाट के बाल भी नहीं लटकते इतने, तो जितना तू लटकता फिरता है बासड़ी के। गजब बेइज्जती है। लेकिन कोई बात नहीं अबकी बार भाई साहब जी अपन यहाँ पे चाकू और तलवार का इस्तेमाल ना करेंगे, बल्कि भाई साहब जी अपन यहाँ पे एंटी जाल स्प्रे लगाएंगे और बॉसड़ी का जो स्पाइडर मैन ना कसम से उसके जाल के झाट के बाल सारे के सारे यहाँ पे कट के 9-11 हो जाते। अब गजब बेइज्जती है। अपन चलते हैं अगली वाली लेवल की तरफ। तो भाई साहब जी हल्क ने यहाँ पे हिला के छोड़ा हुआ था बहुत सारा सारा नहीं वो बॉसड़ी के इतनी गंदी वाली बदबू आ रही थी ना, वो जो हल्के छोटे मोटे बच्चे ना वो बोल रहे थे अरे भैया हमें साफ करो, भैया हमें साफ करो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बॉसड़ी के मैं यहाँ पे वुड का प्लैंक लगा के तैयार करता हूँ, लेकिन बॉसड़ी के जो हल्के का दही था ना उसमें से बच्चे निकलने लग जाते हैं और बड़ा वाला बच्चा निकल के मेरे को निकल जाता है साला यहाँ पे और बोलता है अब जी के बताओ, अब जी के बताओ, अब जी के बताओ। लेकिन कोई बात नहीं अपन यहाँ पे वापस से रिट्राई करते हैं और भाई साहब जितने भी हल्के ने यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा यानी कि अपना दही फैलाया हुआ था अपन उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं। अच्छा और अपन यहाँ पे आगे की तरफ निकल चलते हैं। चल मेरी बिल्लो रानी, चल मेरी बिल्लो रानी ठुमक ठुमक के चलती है तू क्या 9-11। और भाई साहब जी मियाँ खलीफा का बड़ा वाला छेद दिखता है मेरे को यहाँ पे। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई साहब जी मैं यहाँ पे लव वाली चप्पल पहन के निकलने का ट्राई करता हूँ, देखिए सबसे पहले तो भाई साहब मैंने लव वाली चप्पल पहन चुका हूँ और जैसे मैं आगे निकलता हूँ अरे बॉस रेडी के अंदर से मियाँ खलीफा के छेद से अंदर से हाथ आता है और वो डायरेक्ट मेरे लोड़े पे वार करता है, मेरा लोड़ा पकड़ लेता है। 2 hours later। लेकिन बॉस रेडी के आपकी बार लोड़े को पकड़वाना नहीं अपन को और यहाँ पे आपकी बार केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और बॉस रेडी के जो मियाँ खलीफा की गांड से जो हाथ निकला था उसके पूरे पूरे लोड़े लग के लग जाते हैं। कौन से लोड़े? अरे पूरे पूरे लोड़े लग जाएंगे, ये देखो बॉस रेडी के पूरे पूरे लोड़े लग गए, उसके मतलब अंदर का अंदर ही खत्म हो गया ससुरा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।